हेलो एवरीवन, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम है और इस मौसम में चाय के साथ कुछ ना कुछ गर्मा गर्म चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन करता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत कुरकुरा चटपटा और मज़ेदार आलू का नाश्ता। साथ ही मैंने ये ग्रीन चटनी भी बनाई है और ये नाश्ता आप घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको ये नाश्ता ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सिंग बाउल। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप बेसन। जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से मैं इसमें 1/2 कप सूजी डालूंगी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी को मिक्सर जार में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। अब मैं इसमें दही डालूंगी। तो मैं यहाँ पर 4 छोटी चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर में किसी प्रकार का लम्स नहीं होना चाहिए, यानी इसमें किसी प्रकार की गुठली नहीं रहनी चाहिए। और इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कीजिएगा। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा बैटर गीला हो सकता है। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक बैटर सेट हो रहा है तब तक हम आलू का मसाला रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू का छिलका हटाकर इनको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। तो आप इस तरह से महीन वाला कद्दूकस ले लीजिए और इससे ग्रेट कर लीजिए। बस यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि आलू एकदम ठंडा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सभी आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ली है, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक को मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। जिस कद्दूकस से मैंने आलू ग्रेट किए हैं उसी कद्दूकस से 1/2 गाजर को ग्रेट कर लिया है और ये 2 से 3 छोटी चम्मच शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर रेडी है। इसे हम साइड में रख देते हैं और चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी हरा धनिया लिया है। इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसे तोड़कर डाल देती हूँ। 6-7 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। 8 से 10 पत्ती पुदीना की डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली डाल देंगे। साथ ही 1/4 कप रोस्टेड चना डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे। आप चाहें तो दही की जगह 3 से 4 छोटी चम्मच इमली का पल्प या 2 छोटी चम्मच लेमन जूस डाल सकते हैं। 1/2 कप पानी डाल देंगे। ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें चटनी बना लेना है। इसका कलर देख रहे हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी हरी चटनी बनकर रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें तड़का लगाऊंगी। तो मैंने तड़का पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। गर्म पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। राई को हल्का सा चटकने देंगे। राई चटक गई है तो अब हम इसमें 2 चुटकी हींग डाल देंगे। 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 चम्मच चॉप किया हुआ करी पत्ता डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब हम इसे चटनी के ऊपर डाल देते हैं।
ये हमारी चटपटी और मज़ेदार चटनी बनकर रेडी है। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमारा बैटर भी 15 मिनट बाद अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर फूलने के बाद हल्का सा थिक हो गया है, तो मैं इसमें आधा कप पानी डाल देती हूँ और इसे हम मिला देंगे। तो इस बैटर को बनाने के लिए मैंने 1 कप दही और 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। ये देखिए, ये बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी, हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। ये बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। ये एकदम परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7-8 ब्रेड। ये मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड का ये जो ब्राउन पार्ट है, इसे हम चाकू से इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी ब्रेड की स्लाइस रेडी हो गई है। इसी तरह से हम बाकी ब्रेड का ब्राउन पार्ट निकाल देंगे। तो हमने सारी ब्रेड का ब्राउन पार्ट निकाल दिया है और ये जो ब्राउन पार्ट है, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं। अब हमने जो आलू का मसाला तैयार किया है, इसे हम ब्रेड पर लगाएंगे। तो अब हम 1 ब्रेड की स्लाइस लेंगे और हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखी है, उसमें से तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आलू मसाला लगा देंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आलू मसाला मत लगाइएगा। तो इस तरह से चारों ओर अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी चम्मच में लगा लीजिए, जिससे कि ये मसाला चिपकेगा नहीं और इसे फैलाने में आसानी रहेगी। आप ब्रेड में आलू मसाला हाथ से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सारी ब्रेड को तैयार कर लेना है। और अगर आपको इसके छोटे छोटे पीसेस बनाना है, तो इस तरह से ब्रेड को ले लीजिए और इसका जो ये ब्राउन पार्ट है, इसको मत निकालिए और इसके ऊपर ये आलू मसाला इस तरह से चारों ओर फैला दीजिए। अब हमें करना क्या है कि इसको इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लेना है। तो आपको जिस तरह के पीसेस चाहिए, उस तरह से आप बना लीजिए। आप अपनी पसंद से पीसेस को कट कर सकते हैं। ये पीसेस बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आपको जो भी साइज पसंद हो, आप बना लीजिए। ये देखिए, हमने सारी ब्रेड स्लाइस में आलू मसाला लगा दिया है। तो हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम इन्हें तल लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है और इसको तलने के लिए तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब हम स्टफ्ड ब्रेड को इस तरह से पकड़कर बैटर में कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आलू मसाला बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो ये ब्रेड अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसे गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी ब्रेड स्लाइस को बैटर में कोट करके गरम तेल में डाल देंगे। एक बार में 2 या 3 ब्रेड को ही तेल में डालिएगा, ताकि इसको उलट पुलट करने में प्रॉब्लम ना हो। ब्रेड को पहले हम एक साइड हल्का सा सिकने देंगे और जैसे ही एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए, हमें इन्हें पलट लेना है। और इसे पलटने के बाद दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो ये दूसरी साइड भी हल्के से सिक गए हैं। अब मैं इन्हें भी पलट देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने बैटर में ना ही बेकिंग पाउडर और ना ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, तब भी ये बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें उलट पुलट करते हुए दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। हमने ब्रेड को बैटर में अच्छे से कोट किया है, तो ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें हमने सूजी डाला है, तो ये काफ़ी टाइम तक कुरकुरे बने रहेंगे। आप चाहें तो इन्हें सेलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर सैंडविच की तरह भी सेक सकते हैं। ये देखिए, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। और इसी तरीके से सारे ब्रेड स्लाइस तल लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर सारी ब्रेड स्लाइस को तलकर तैयार कर लिया है। ये जो हमने छोटे पीसेस बनाए थे उनको भी मैंने तल लिया है। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इसमें हमने सूजी डाला है तो ये काफी टाइम तक ऐसे ही कुरकुरे बने रहेंगे। मैं आपको एक पीस काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितने मजेदार, इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। तो ये मजेदार रेसिपी को आप चटनी के साथ या सॉस के साथ खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और कभी आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप उनको नाश्ते में फटाफट से बनाकर खिला सकते हैं। आपके मेहमानों को भी ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और इसके बैटर में हमने दही सूजी डाला है तो इसका टेस्ट आपको ब्रेड पकौड़ा से डिफरेंट लगेगा। आप इन्हें बारिश के मौसम में चाय के साथ खाइए, आपको भी ये नाश्ता बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।